हाँ देखिएगा बच्चों, हम आप लोगों को जो बता रहे थे बेटा क्या पढ़ा रहे थे आप लोगों को, हम लोग आपको तो प्रिज्म पढ़ा रहे, ठीक है। तो प्रिज्म से संबंधित जो भी हमारी चीजें थी बेटा वो हमने आपको सारी चीजें पढ़ा रहे पढ़ाई। तो हमने आपको प्रिज्म से संबंधित बहुत सारी चीजें थी जो हमने आपको कंप्लीट करा दी, ठीक है। आज हमने क्या सोचा बेटा, जो चीजें हमने आपको पढ़ा दी थी उस प्रिज्म से संबंधित जो भी है एक बार करेंगे उन चीजों को एक बार फिर से देखेंगे। इसके बाद हम कल एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और इसके बाद हम मोबाइल पर लगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रिज्म, इसे हम प्रिज्म कहते हैं। इसी तरह से हमने बोर्ड भी बनाया था, देखिए आज हम आप लोगों के लिए प्रिज्म लेके आए, प्रिज्म के बारे में आज हम आपको सारी चीजें क्लियर करा देते हैं। ये जो प्रिज्म है हमने बताया था बेटा प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म तीन आयताकार फलक होते हैं, ये देखो एक आयताकार फलक ये है, दूसरा आयताकार फलक ये है, तीसरा आयताकार फलक ये है, यानी प्रिज्म तीन आयताकार फलकों से मिलकर बना, कितने फलकों से मिलकर बना, तीन, प्रिज्म जो है वो तीन आयताकार फलकों से मिलकर, और इसमें त्रिभुजाकार फलक कितने होते हैं दो, देखो एक त्रिभुजाकार ये है, एक त्रिभुजाकार ये है और एक इसके जस्ट पीछे त्रिभुजाकार है, देखो जरा जूम करके दिखा दो आप दिखाई दे रहा है, देखो ये एक एक त्रिभुजाकार फलक ये आपका रहा, दूसरा आपका त्रिभुजाकार फलक ये रहा, दो त्रिभुज हो गए, इसमें दो आयत तीन आयत होते, देखो एक आयत ये, दूसरा आयत ये और तीसरा आयत ये। यही हमने आपको बेटा उस दिन टॉपिक में बताया था कि प्रिज्म जो होता है वो तीन आयताकार फलकों और दो त्रिभुजाकार फलकों से मिलकर बना होता है। प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, देखो ये जो आपका प्रिज्म दिखाई दे रहा है ये जो कोण है यहाँ वाला, ये जो कोण है हमारे क्या कहलाता है बेटा ऊपर वाला कोण, ऐसे करके दिख रहा है ये कौन सा कोण कहलाएगा, ये हमारा प्रिज्म कोण कहलाएगा, ठीक। आगे देखो हमने बताया था एक कोर होती थी, वही कोर है, ये कोर है, ये कोर है, ये कोर है, ये हमारी कौन सी कोर है कहलाती है, ये हमारी अपवर्तक कोर है, क्लियर। दूसरा हमने आपको बताया था बेटा कि जैसे मान लो ये हमारा प्रिज्म है तो इस प्रिज्म पर कोई प्रकाश पड़ते हैं, जैसे मान लो ये है ये प्रिज्म है, कोई प्रकाश का यहां से कोई प्रकाश किरण इधर से आई यहां पर इस तरह से पड़ी, ठीक है, कोई प्रकाश किरण इस तरफ से पड़ी तो यहां से जिस प्रिज्म का ये हमारा पूरा जो आयताकार है पूरा क्या कहलाएगा, फलक, इसको ऐसे इस तरह से त्रिभुज बन गया, ऐसे रखोगे तो हमारा त्रिभुज कहलाएगा, तो ये हमारा इस तरह से है तो ये हमारा जो फलक है ये क्या कहलाएगा, फलक कहलाएगा, मतलब इससे कहीं से टकराएगा तो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, वो हमारा प्रिज्म के जिस फलक पर आपके होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अपवर्तक फलक या आपतक फलक कहते हैं, क्लियर है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है हमारा प्रिज्म है। तो सबसे पहले हमने जो हमको बताना था क्या प्रिज्म, तो प्रिज्म आपको देख लिया आज, तो हमने आपको दिखा भी दिया इस तरह का होता है, ठीक है। दूसरा है विचलन, तो विचलन का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, अब इधर से कैमरा को दिखा नहीं सकते बेटा, रियल में होता दिखा देते, इसको जरा ध्यान से देखो ऐसे करके, ऐसे करके अगर आपके कैमरे में दिखाई दे रहा होगा तो इसमें यहाँ पर प्रकाश पड़ रहा था, यहाँ पर रोशनी पड़ रही होगी, क्या पड़ रही रोशनी, ध्यान से देखो इधर इधर आपको एकदम वो जो व्यूअर के अनुसार सात कलर होते हैं, सातों कलर आपको क्लियरली दिखाई दे रहेगा, ठीक है, इस तरह से क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अब रियल में देखेंगे तो आपको जरूर इस तरह से चमकता हुआ दिखाई देते हैं, ठीक है, इस तरह से हमें सारे कलर दिखाई देते, क्लियर बात है। आगे जब सभी कलर दिखाई देते हैं, क्लियर दिखाई देते हैं, विचलन क्या होता है, तो हमने बताया जब कोई प्रकाश पड़ा, जब कोई प्रकाश कर प्रिज्म के आपतित फलक पर आपतित होती है तो प्रिज्म के दो अलग, एक बार इधर से एक बार इधर से, मतलब प्रिज्म के दो फलकों द्वारा दो बार अपवर्तन होने से प्रकाश कर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जैसे हम विचलन है। अगला आता है विचलन कोण, हमने बताया था प्रकाश किरण जिस कोण से विचलित होती है उसे क्या कहते हैं, उसे विचलन कोण कहते हैं। अगला है बेटा वर्णविक्षेपण, वर्णविक्षेपण किसे कहते हैं, जो वर्णविक्षेपण होता है इसका कारण क्या है, सारी चीजें आपको पिछले वीडियो में बता रहा, ठीक है। ये बल विक्षेपण देखो इस तरह से, देखो ये देखो दिख रहा है यहाँ पर, इसमें जब भी आप देखेंगे इस तरह से, देखो शायद देख रहा हो इस तरह से, इसमें सभी रंग दिखाई देते हैं, अर्थात जो हमारी सेक्रेटरी के द्वारा जब भी प्रकाश आ रहा है, ये कौन सा प्रकाश है, प्राकृतिक प्रकाश, सूर्य का, अर्थात इसमें क्या है, ये हमारा श्वेत प्रकाश, क्या कहलाएगा बेटा, इसे हम श्वेत प्रकाश के नाम से जानते हैं, इसमें सभी कलर यहाँ दिखाई देते हैं, यहाँ पर सभी कलर दिखाई देते हैं, श्वेत प्रकाश कलर के नाम से जानते हैं, तो इसमें सभी रंग अलग अलग स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण का दोष बात बताना। अगला आता है कोणीय वर्ण विक्षेपण,
कोणीय घटक छे पण हमने आपको बताया किससे डोनेट करते थीटा से, थीटा बराबर फार्मूला क्या था, थीटा बराबर था nb माइनस nr इनटू a। वर्ड छे पण क्षमता किससे डोनेट करते ओमेगा से, ओमेगा बराबर क्या था थीटा अपॉन डेल्टा y। तो इसके लिए यहां से हमारा फार्मूला बना था nb माइनस nr बटे हमारा बना था ny माइनस, सही है। तो इस तरह से हमने जितने भी फार्मूले आपको बताए थे बेटा, तो ये सारी चीजें हम यहां पर क्लियर, ठीक है, मेरे दोस्तों ये सारी चीजें हम आपको पिछले वीडियो बता चुके हैं। आज की वीडियो में सिर्फ आपको इतना ही बताना था कि ये जो प्रिज बना है, इस प्रिज में जितनी भी हमारी चीजें हैं, जितने भी कलर दिखाई दे रहे हैं, वो सारे कलर आपको इसमें अलग अलग स्पर्श दिखाई देंगे, और इस तरह से ये हमारा क्या होता है बेटा, प्रिज। क्लियर है? तो यहाँ तक जितना भी हमने चीजें बताई, ये सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। कल हमारी अगली मुलाकात होगी, कल नए वीडियो के साथ हम आपको मिलेंगे। तो थोड़ी सी बात मेरी याद रखना बेटा, कि जितनी चीजें बताएं इससे संबंधित जो भी आपके न्यूमेरिकल है, क्या पढ़ाए न्यूमेरिकल, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताना कि कल हम इसके न्यूमेरिकल लगवाते हैं या मेरा मन ये कह रहा है इससे संबंधित जो चैप्टर है आगे रंग बिरंगा संसार जैसे आंख है, ठीक है, तो हम मेरा मन ये कह रहा है कल हम लोग आंख के बारे में सही से जानकारी, मेरा मन ये कह रहा है हम क्या करें कि आंख के बारे में कल हम लोग पढ़ें जिसके आई, ठीक है, कल हम लोग आंख के बारे में और पढ़ लें इससे संबंधित, फिर इसके बाद हम इसके सभी के निबंध कर, या फिर आप ये बताएं कल आंख के बारे में बढ़िया तरीके से बहुत ज्यादा जानकारी करें या फिर निबंध कर। मेरा तो मन यही है कि आंख के बारे में पढ़ें इसके बाद निबंध कर दोनों एक साथ करें, या अगर आपकी इच्छा हो निबंध लगो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि हम निबंध लगवाएं यहाँ के बारे में, ठीक है। तो प्रिंसिपल समझ इतना ही था, और भी कोई आपके डाउट हो तो हम बताएं। ओके, कोई